Good morning and welcome to all of you. This is the fifth lecture of chapter number 3, thermodynamics. In the last lectures, last few lectures we have seen what is the adiabatic process and what is the isothermal process. In this lecture, we will see some PV diagram, or it is known as indicator diagram also. So, काय होता है इंडिकेटर डायग्राम काय इंडिकेट करतो सो इट इज नथिंग बट अ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम एंड वी कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग एन प्रोसेस ऑफ एन इंजन इंजन को स्टडी करने के लिए ये हम यूज करते हैं इंजन मीन्स विच प्रोवाइड्स एंड विच डू सम वर्क सो उस सिस्टम को हम इंजन भी बोलते हैं इंजन बोलते हैं जैसा हीट इंजन है डीजल इंजन है दिस आर नथिंग बट एग्जाम्पल्स ऑफ इंजन सो इंडिकेटर डायग्राम क्या बताता है कैसा प्रेशर वॉल्यूम चेंज होता है और वर्क डन कैसा होता है सो इंजन किस प्रोसेस पे काम कर रहा है अलग अलग प्रोसेस पे भी काम करता है से आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस ठीक है सो अगर पीवी डायग्राम की हम डेफिनेशन देखेंगे सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीवी डायग्राम इन इक्विलिब्रियम स्टेट ईच पॉइंट ऑन द पाथ ट्रेस रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रेशर एंड वॉल्यूम सच ट्रेस ऑब्टेन्ड इन एक्चुअल इंजन इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम यानी पीवी डायग्राम में ये पाथ है ओके और आप कोई भी एक पॉइंट ले लो इसमें से ये जो होता है ये पॉइंट गया तो प्रेशर आणि वॉल्यूम असा चेंज होता है दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम तर कोणत्याही पॉइंटला तुम्ही काय डिफाइन करू शकता स्टेट ऑफ द सिस्टम स्टेट ऑफ द सिस्टम और स्टेट ऑफ द इंजिन सो दिस एरिया शोज नथिंग बट द वर्क डन PDV, and this diagram is nothing but indicator. तो किसी भी एक पॉइंट पर उस इंजन की आप क्या बता सकते हो काय दाखवू शकता तुम्ही स्टेट ऑफ दैट इंजन म्हणजे इथं प्रेशर वॉल्यूम किती है किंवा इथं पी इंटू डीवी मीन्स वर्क डन किती झाला वर्क डन किती झाला ओके सो अपन ये अगोदर बघितलं होतं व्हाट इज वर्क डन पीडीव्ही इज अ स्मॉल वर्क डन फॉर डीव्ही एरिया आणि टोटल वर्क डन काढायचं असेल तर आपण काय करतो इंटिग्रल पी वन इंटिग्रल पी डी सपोज दॅट दिस इज व्ही वन अँड दिस इज व्ही टू तर इंटिग्रेशनचे लिमिट काय होणार व्हॉल्यूम कुठून कुठे चेंज झाला व्ही वन टू आणि हे एरिया अंडर द कर्व एरिया अंडर द कर्व is nothing but this PDV, this work done area under the curve. यह है इस curve के अंदर जितना भी area आएगा indicator diagram में वो क्या बताएगा आपका total work done. वो क्या बताएगा total work done. So यही indicator diagram का एक use है indicator diagram का एक use है. So हम क्या करेंगे indicator diagram पहले देखेंगे क्या निकालते हैं इंडिकेटर डायग्राम से वर्क डन क्या निकालते हैं व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम इंडिकेटर डायग्राम दैट वर्क डन इन अ इंजन और इन अ प्रोसेस इन अ सो फर्स्ट वी कैलकुलेट वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस तो आइसोथर्मल प्रोसेस यानी टेम्परेचर क्या है चेंज होता क्या नहीं देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर देयर विल बी चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम एंड हीट यानी हीट हम स्लोली प्रोवाइड करते हैं इसलिए टेम्परेचर चेंज होने को चांस नहीं होता ओके सो सपोज दैट देयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस सो सपोज दैट देयर इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस
this point is और ये क्या है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हियर इट इज पी वन वी वन इज पी टू वी टू और टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट इन आइसोथर्मल यानी टी चेंज हुआ क्या यहाँ पे नहीं हुआ, टी चेंज हुआ क्या नहीं हुआ सो small work done dw is equal to p into dv p into dv and total work done हमको निकालना है, we have to calculate total work done, w is equal to integration p into dv. Now what will be the limits, integration from v1 to v2, क्योंकि integration को variable कौन सा है volume, इसलिए हम limits भी क्या लेंगे volume के लिए, तो v1 to Now we know one equation P is equal to RT. Van der Waals equation of state. अब हमको क्या करना है इसमें प्रेशर की जगह वॉल्यूम का टर्म लेके आना है. प्रेशर की जगह वॉल्यूम का टर्म कैसे लेंगे? इस इक्वेशन से हो जाएगा RT by V. P is equal to RT by V. Say this is equation one. तो ये वैल्यू इक्वेशन टू की वैल्यू इक्वेशन वन में रखेंगे क्या हो जाएगा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल वी वन टू वी टू PDV की जगह पे क्या आएगा RT by V into DV R into T is constant R और T क्या है constant है हमको मालूम है so total work done is equal to integral V1 to V2 total work done R into T बाहर आ जाएगा integral V1 to V2 dv by v ये वाला ओके तो इंटीग्रल 1 by v into dv क्या हो जाएगा इट इज टोटल वर्क डन इज इक्वल टू rt log नेचुरल log में log टू द बेस e log v एंड व्हाट आर द लिमिट्स हियर v1 टू v2 v1 टू v2 अगर इसको log टू द बेस 10 करना है तो हम क्या कर रहे हैं वी जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2.303 into log of upper limit क्या है कि v2 limits रखते हैं तो थोड़ा mix हो रहा है v2 ठीक पहले रखेंगे upper limit v2 minus log v1 log v2 minus v log v1 क्या होता है log v2 by v1 तो ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क डन हो जाएगा आर टी 2.303 इनटू लॉग ऑफ वी टू बाय वी वन सो दिस इज द टोटल वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत सिंपल है वही इक्वेशन हम बार बार यूज करें बस आइसोथर्मल प्रोसेस में याद रखें टी जो है हमारा टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट होता है अब अगर आइडियोमेटिक प्रोसेस का करना है तो वी नो द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इन आइडियोमेटिक प्रोसेस क्या है पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी वी रेस टू गामा इज कॉन्स्टेंट तो इसके बाद हम क्या करेंगे वर्क डन इन एन आइडियोमेटिक प्रोसेस आइडियोमेटिक प्रोसेस और एक इसमें है आगे कुछ के यू नो वी वन वी वन इज इक्वल टू वी टू वी वी वन वी वन इज इक्वल टू वी टू वी क्योंकि पी वी इज इक्वल टू आर टी है आर कॉन्स्टेंट है और आइसोथर्मल के लिए टी वी कॉन्स्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू दोनों इक्वल टू कॉन्स्टेंट है वी कैन राइट पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू बट अगर एडियाबेटिक आ गया तो यहाँ पे क्या है पी वन वी वन रेस टू गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू वी टू रेस टू गामा ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी वन बाय पी टू इज इक्वल टू पी टू बाय वी वन दिस इज वन मोर इक्वेशन ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो एडियाबेटिक के लिए ये इक्वेशन नहीं है ये इक्वेशन सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो दिस इज द वर्क डन इन
Now next, अब क्या लिखना है हमको? तो ये वैल्यू जो है v2 by v1 की, हम यहाँ पे इसकी जगह और एक वैल्यू क्या लिख सकते हैं? I'm writing here with the red pen, work done, total work done. ब्रैकेट में लिखता हूँ RT into 2.303 log v2 by v1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? p1 by p2. तो ये दोनों इक्वेशन क्या बताते हैं? वर्क डन इन एंड आइसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ p एंड इन टर्म्स ऑफ p. तो p में याद रखना इन टर्म्स ऑफ p जो है वो p का उल्टा है, v2 by v1 उसका उल्टा p1 by p2. ओके, नाउ लेट्स यू सी वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस. तो वर्क डन इन एन आइडियाबेटिक प्रोसेस. सो कंसीडर पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस. दिस इज एन आइडियाबेटिक प्रोसेस. ओके, वी विल टेक अ स्मॉल वॉल्यूम डीवी हियर. हियर इट इज पी1 वी1 पी2 वी2. और यहां पे क्या होता है? देयर इज टेंपरेचर चेंज हियर पी1 and T2 is less than T1. There is no change in heat pressure and it is one. Okay, this is the indicator diagram for adiabatic process. Okay, so we will use the same equation. Work done total is equal to integral V1 to V2 P dV. And what is dV here? Integration of dv is a small volume area. Okay, but adiabatic process के लिए हमने relation निकाले थे. pressure volume का क्या था? pv raised to gamma is a constant c. so pressure here it is gamma not r. pressure is equal to c by v raised to gamma. okay, तो यहाँ पे आ जाएगा c की जगह p की जगह पे क्या लिखना है? C by gamma लिखना है. C और K कुछ बुक्स में आपको K भी मिलेगा. मीनिंग क्या है उसका? कांस्टेंट है. ओके, तो ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में रखो तो हो जाएगा w इज इक्वल टू इंटीग्रल v1 टू v2 p के जगह पे क्या आएगा? C by gamma v raise to gamma into pv. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो w is equal to c बाहर आ जाएगा, c is a constant, constant आ जाएगा इंटीग्रल के बाहर v1 to v2, integration form v1 to v2, dv by d raised to gamma, d raised to gamma. अब v raised to gamma का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? v raised to gamma minus 1, v raised to gamma minus 1. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? W इज इक्वल x रेस्ट टू n, 1 बाय x रेस्ट टू n है, उसका इंटीग्रल क्या होता है? x रेस्ट टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. तो यहां पे v रेस्ट टू माइनस गामा है, माइनस गामा प्लस 1, और यहां पे माइनस गामा प्लस 1, माइनस गामा प्लस 1. तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन इंटीग्रल -1
माइनस गामा प्लस वन, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे सी सी मल्टीप्लाइड बाय माइनस गामा प्लस वन, सॉरी ये डिवाइड में आएगा एन प्लस वन नीचे आएगा, ये हो जाएगा माइनस गामा प्लस वन. तो वी कैन राइट इट एज वन माइनस गामा, वन माइनस गामा इनटू बी रेस टू गामा का बी रेस टू गामा प्लस वन, बट यहाँ पे ऊपर अगर जाएगा बी रेस टू माइनस गामा होगा, बी रेस टू माइनस गामा प्लस वन, यानी क्या हो जाएगा बी रेस टू वन माइनस गामा, बी रेस टू वन माइनस गामा, वन माइनस गामा, ठीक है. और अगर उसको नीचे लेना है, नीचे लेना है तो क्या हो जाएगा, नीचे लेना है इसको, अगर इसको नीचे लेना है e रेस्टू वन माइनस गामा, इसको अगर नीचे लेना है वन बाय e रेस्टू लिखना है वन बाय, ये माइनस को प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, इसको भी माइनस, यहाँ पर आ जाएगा गामा माइनस वन, ये आ जाएगा e रेस्टू गामा माइनस वन. लिमिट्स क्या रहेंगे इसके, वी वन टू V2, ठीक है, समझ में आया सिंपल इंटीग्रल. अब इसमें लिमिट्स पुट करते हैं, वी पुट द लिमिट, फर्स्ट वी पुट द हायर लिमिट, W is equal to C by 1 minus gamma into 1 by, पहले V2 रखते हैं, V2 minus, V2 raise to gamma minus 1, minus 1 by, फिर रखते हैं V1, V1 raise to gamma minus 1, V1 raise to gamma minus 1. Just we have put the limits. Just we have put here the limits. Okay. Now use the relation V1 V1 raised to gamma is equal to V2 V2 raised to gamma is equal to the constant C. A constant C. So we can write here P1 V1 raised to gamma. C की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P1 V1 raised to gamma. P1 V1 raised to gamma. ठीक है ना, तो ये C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, या ना की जगह अगर हम यहाँ C लिख दें तो क्या हो जाएगा C C. और यहाँ पर C की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर V2 है तो P2 V2 raised to gamma, और V1 है P1 V1 raised to gamma, because it is equal to C, it is also a constant. So W क्या जाएगा, W हो जाएगा 1 by 1 minus gamma into C की जगह पे क्या आएगा, P2 V2 raised to gamma divided by V2 raised to gamma minus 1 minus P1 V1 raised to gamma divided by V1 raised to gamma minus V1 raise to gamma minus 1. So, अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, राइट हियर
वन रेस टू वन एंड बी वन रेस टू माइनस क्या, अगर इसको क्लियरली लिखे तो वन माइनस क्या मीनिंग वही होता है, तो बी टू रेस टू माइनस क्या है, बी टू रेस टू क्या है, क्या बचेगा फिर हमारे को यहाँ इक्वेशन में, इक्वेशन में बचेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस गैमा इन टू पी टू वी टू माइनस गैमा। सो दिस इज द सिंपल इक्वेशन, दिस इज द सिंपल इक्वेशन। अब हमको लिखना है के फॉर्म में लिख दिया। नाउ अगेन यू नो इफ यू वन इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आर इनटू टी, पीवी इज इक्वल टू आर इनटू टी, देन पी वन इज इक्वल टू आर टी वन, ऐसे लिख सकते हो ना, पी वन इज इक्वल टू आर टी वन एंड पी टू इज इक्वल टू आर टी टू। आर टू आर वन क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज आर इज कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट है, आर चेंज नहीं होता, तो आर की जगह आर को आर टू लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो पी वन की जगह पर हम लिख सकते हैं आर टी वन और पी टू की जगह पर लिख सकते हैं आर टी टू। तो यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस गामा इन टू पी टू की जगह पे क्या आएगा आर टी टू माइनस पी वन की जगह पे आएगा आर टी वन। ओके, आर अगर कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा W is equal to 1 del is equal to R upon 1 minus gamma into T2 minus T1. T2 minus T1. So this is the total work done in case of an adiabatic process. Okay. So hope you understand. And these are nothing but simple mathematics. ज़्यादा कुछ tough नहीं इसमें. Integration है. और वो भी सिंपल इंटीग्रेशन, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं, बस ऐसे फॉर्मूलेज आपको याद रखने चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई बी हम लेते हैं लॉग बी, और इंटीग्रेशन ऑफ बी वन बाई बी जैसे समथिंग लेता हूँ, ये फॉर्मूला यूज कर लें एक्स स्क्वायर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन इंटीग्रल। ओके, सो वी हैव फाउंड डबल लाइन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस यूजिंग इंटीग्रल डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, एंड वी हैव again derived work done for adiabatic process using integral indicator diagram. So it is W is equal to R by 1 minus gamma T2 minus T1, or you can write in terms of W is equal to 1 minus gamma 1 upon 1 minus gamma into P2 minus P2 minus T1 V1. Okay, so today let's stop here. Thank you very much.